मेरे दोस्त मेरे को कॉल करके धमकी दिया जा रहा है। धमकी क्यों, किस लिए? क्योंकि सुलगती है कुछ लोगों की। जब आप YouTube पे ग्रो होते हैं तो कुछ लोगों की चुलमस्ती है, कुछ लोग जब आपका बराबरी नहीं कर पाते ना तो उनकी सुलग जाती है। ठीक है, ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मैंने रोहित राज मोटिवेशन पे कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाला, इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैंने अगले हफ्ते अपने सिस्टर की थी सगाई। ठीक है, मेरी सगी सिस्टर खुद की सिस्टर की सगाई थी। तो सगाई में भाई आप पता है, जब आप घर के बड़े हो या फिर घर में हो तो सगाई उगाई होती है, तो भाई लंबा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो हफ्ते तक आपको वहाँ पर मैनेज करना होता है। सगाई जैसे एक हफ्ते बाद है तो आज से ही आपकी तैयारी सियारी लगने लगती है। ठीक है, तो सगाई सिस्टर की सगाई उगाई करने के बाद जैसे ही हम फ्री हुए, भाई 7 दिन तो उधर मेरा चला गया, 2-3 दिन भाई रेस्ट और सामान वामान बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो सब कुछ फ्री होने के बाद जैसे ही इधर फ्री होते हैं तो कुल 7-10 दिन मेरा उधर बेकार गया। ठीक है, सगाई में मैं बिजी था, यूट्यूब पे काम नहीं कर पाया, देख रहे हो रोहित राज मोटिवेशन की वीडियो नहीं आई थी। उसके बाद जैसे मैंने एक स्पॉन्सर वीडियो अपलोड किया तो 1-2 घंटे बाद वहाँ पर भी लग गई स्ट्राइक रोहित राज मोटिवेशन पे। तो एक ही स्ट्राइक लगी, वो भी गाइडलाइन स्ट्राइक है। मैंने यूट्यूब से बात किया तो यूट्यूब ने, भाई मेरे को पता है मैंने एक चैनल पर गलती किया है उस वीडियो पर, तो जो जहाँ गलती करता हूँ तो मेरे को पता है। फिर मैंने यूट्यूब से बात किया तो उसने बोला भैया नहीं, रिव्यू करा चुके हैं आपका, एक हफ्ते तक वेट करिए आप। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, लेकिन इस मामले में नहीं। हम कहे ठीक है भैया, तो अभी कल या परसों मेरा स्ट्राइक हट जाएगा, केवल एक स्ट्राइक है बस। ठीक है, कल परसों मेरा 7 दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 3-4 दिन तक तो वीडियो नहीं डालूंगा, जबकि अपलोडिंग मेरा कल या परसों से होने लगेगा, फिर भी मेरी वीडियो 15 तारीख के बाद ही जाएगी। क्यों? इसका एक रीज़न है। जैसे मैं सगाई से खाली हुआ, अभी 2-4 दिन पहले मेरे बगल में एक लोग की डेथ हो गई। ठीक है, तो मैं फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा, बस आपको बता कर दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ब्लर करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई डेथ। अब डेथ हो गई, आप समझ लो जब पड़ोस में किसी का डेथ हो जाता है तो समझ लो क्या बीतता है। ठीक है, तो अभी जिनके यहाँ डेथ हुआ उनके अभी कोई नहीं है, थोड़ा सा उनकी स्थिति भी डाउन है, तो हम लोग अभी वहीं बिजी हैं। और रोहित राज मोटिवेशन पे वीडियो नहीं जाती है, रोहित राज वाईटी भी जाएगी, क्योंकि रोहित राज वाईटी का क्या है, मैं अकेला हूँ। मैंने इतना साल यूट्यूब पर काम किया तो यूट्यूब का एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस पर बेस के रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, 12 बजे जब फ्री होता हूँ रात को, वीडियो 2-3 शूट करके अपने एडिटर को दे देता हूँ। तो एडिटर भाई हमारे क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, हमारी वीडियो वहाँ से रेडी हो जाती है, बस हम थंबनेल बना के पब्लिक कर देते हैं, कभी कभी थंबनेल भी हम बनवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रोहित राज वाईटी पे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और रोहित राज मोटिवेशन पे मैं जिनका इंटरव्यू लूंगा, अब उसे थोड़ी ना बोलूंगा भैया चलो आओ 12 बजे रात को इंटरव्यू करते हैं, आओ 1 बजे रात को इंटरव्यू करते हैं, और वो भी पता नहीं होता कि 11 बजे 12 बजे अगर थका हो तो सो गया, नहीं थका हो तो भाई ठीक है काम करते हैं, क्योंकि ये सारे काम हो जाते हैं भाई। आप लोग जो घर में हैं, गांव में हैं, समझ सकते हो। शहर में तो भाई पड़ोस में कोई मर गया कोई पूछने नहीं आता, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर आपके बगल में जैसे हमारा घर है, ठीक है सटा हुआ घर है, बगल में कोई डेथ हो गया यहाँ वाला, तो भाई समझ सकते हो ना कि मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे गांव में सब लोग पागल नहीं होते, गांव में भी बहुत अच्छी अभी मानवता बची हुई है, तो हम लोग सोचते हैं उसी में खुश है। ठीक है, तो अभी 3-4 दिन 5 दिन बाद ही मेरी वीडियो आएगी, जैसे ही मैं यहाँ से खाली हो जाऊँगा। ठीक है, 13वीं होती है ना, 13वीं से खाली हो जाऊँगा इस सबसे, तो भाई मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अब बता यही दूँ ना, जो लोग कॉल करके बता रहे हैं भैया हमने स्ट्राइक दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, एक बंदा भी कॉल करके हमको बोल रहा है कि स्ट्राइक दिए हैं हमने, हम कह मैरेंगे साले जोन तबड़ा का ढंगला जाएगा। अबे आया गाइडलाइन स्ट्राइक है, ये गधा बोल रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक है। इतना साल से यूट्यूब पे हम दूसरों का चैनल डिलीट हो जाता है वापस करा देते हैं, तो ये मेरे बारे में उल्लू बना रहा है। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया आपको, ताकि आपको पता हो जाए कि यार किस वजह से मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। रोहित राज वाईटी पे वीडियो आएगी, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे पास बैकअप में भी थी, उसे भी अपलोड कर दे रहा हूँ रोहित राज वाईटी पे, और रात को 1-2 वीडियो शूट करके मैं दे देता हूँ, तो मेरा 2 दिन के लिए मैं फ्री हो जाता हूँ, तब मेरा जो एडिटर है वो एडिटिंग कर देते हैं। और रोहित राज मोटिवेशन पे भाई मेरे को इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना, अब जैसे मेरे को आपसे इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेंगे भाई मैं समझ बताऊँ बहाने बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो किसी को 10 तारीख को बोलता हूँ तो किसी को बोलता हूँ भैया वेडनेसडे करते हैं, फिर आज आ गया तो भैया 2 दिन बात करते हैं, अब उन्हें डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता कि भाई अभी मैं 1 दिन रहूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कल अगर टाइम निकल गया तो कल उनके साथ पॉडकास्ट कर लूंगा, लेकिन जैसे कल बिजी हो गया तो मुझे मना करना पड़ता है कि भाई 2 दिन बात करते हैं यार। ठीक है, और मैंने स्टेटस लगा भी दिया था कि भाई आप लोग यार समझ लो, क्योंकि इतने टाइम ये प्रॉब्लम है, मैं पॉडकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप पैसे के लिए सब कुछ थोड़ी बेच देंगे, अपना ईमान थोड़ी घटा देंगे। अब किसी को मुसीबत पड़ गई तो हमारा फर्ज है, सभी का फर्ज है कि उनके साथ खड़े होना, और खासकर जिनके घर में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई पड़ोस में, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो भाई इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया रोहित राज मोटिवेशन पे, 3-4 दिन तक और नहीं जाएगी, ज़्यादा नहीं 3-4 दिन तक, इतना तो इंतजार कर सकते हो आप लोग, 3-4 दिन तक रोहित राज मोटिवेशन वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ रोहित राज वाईटी पे जाती रहेगी, क्योंकि रात को 11 बजे 12 बजे मैं वीडियो देता हूं तो एडिटर दे देते हैं मेरे को रेडी करके। ठीक है, फिर मिलते अगली वीडियो में, बाकी यही सस्पेंस था, यही क्वेश्चन था, बाकी फिर मिलते अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।